ताजे फल खाएं। छोटा सा अमरूद का पेड़ है जो कि मम्मी ने लगाया था बहुत प्यार से और अपने बच्चे की तरह पाला था इसे। आपको मैं इस फल को काट के दिखाऊंगा और ये ताजा कभी बिल्कुल फ्रेश पीस है। ये हमारे गांव की मूंगफली, आ जाओ खा लीजिए गाइस, ठीक है। सारी ये कलमी पेड़ मैंने सन दिख रहा होगा आपको, और ये हमारा एक छोटा सा 6 महीने में फल गया गाइस, ठीक है। कल पैदा लिया होगा, वो भी चढ़ सकता है इसमें। देखो पूरा पका हुआ है, कहीं से कच्चा नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। आप खा लो गाइस, ठीक है, ताजा खाओगे। इससे ताजा तो यार मेरे को नहीं लगता मिलता होगा। वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करना। hey गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद हो सब ठीक होंगे। गाइस बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लाने वाला हूँ। गाइस वैसे मैंने शहर में रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैंने काफी एक सवाल अक्सर मेरे माइंड में आई है, कुछ लोगों के माइंड में भी आई है कि ताजे फल खाएं, ठीक है। तो ये टॉपिक उसी चीज के होने वाली है। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे गाँव में एक छोटा सा अमरूद का पेड़ है जो कि मम्मी ने लगाया था बहुत प्यार से और अपने बच्चे की तरह पाला था इसे। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अमरूद का एक ही पेड़ है, इसमें काफी सारे फल आए हुए हैं, दिख रहा होगा। इसमें से 2 फल पके हैं, ठीक है। आपको मैं इस फल को काट के दिखाऊंगा और ये ताजा कभी बिल्कुल फ्रेश पीस है। अगर आप कभी मिस करते होंगे कि ताजा फल खाने में, वैसे तो कई लोग बोलते हैं जब बाजार में मोल भाव करते हैं कि भैया ताजा फल देना, तो आपको पता ही होगा कि वो कितना दिन का स्टॉक होता है। खास करके सबसे पुराना फल अगर कहूँ ना, जो सबसे पुराना होता है जिसको लोग ताजा कह के बेचते हैं, लेकिन वो ताजा होता नहीं एक्चुअली, वो होता है कश्मीर की खूबसूरती सेब। सबसे बहुत अच्छी चीज है, फल है, ठीक है, सेब है। वो कश्मीर में पाया जाता है सिर्फ, क्योंकि वो ठंडे इलाके में पाया जाता है। उधर आपको चीप से चीप से 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ऐसे मिलते हैं। मेरा दोस्त वहाँ पे कई लोग काम करते हैं, तो उसने बताए हैं कि 10 रुपये 5 रुपये जब वो सुबह फ्रेश होने भी जाते हैं ना, तो वो वहीं से सेब खाते हैं। ऐसे तोड़ा खाया, पसंद यहाँ फेंक दिया। और यहीं शहरों में वो 200 300 500 जगह जगह 800 रुपये किलो भी मिलते हैं, ठीक है। वहीं आपका भाई काजू खाया है काफ़ी अनलिमिटेड उड़ीसा में। तो यहीं पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारे गाँव में फिलहाल एक ही ये घर बना है, पीछे देख सकते हो, ये रसोई है। तो आपको यहाँ पर फल दिखाता हूँ, दो ही है प्यारे से, देख रहे हो, ये देख रहे हो, 2 है। इसको मैं आपको काट के दिखाऊंगा और ये जेन्युइन पेड़ है। आप सोचोगे कि नहीं अलग से लगाया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो। ये मेरा एक रसोई है, यहाँ पे तूड़ा है गाय के खाने के लिए, और ये एक जलावन है जो कि बारिश में बहुत ऐसी तैसी होती है। ये हमारे गाँव की मूंगफली, आ जाओ खा लीजिए गाइस, ठीक है। ये थोड़ी मुसवा गई थी, ये रसोई है, बहुत धुआं होता है, खाने बनाने में बहुत दिक्कत होता है। आपको दिखाता हूँ अब मैं मेन टॉपिक पे, जो फ्रेश वीडियो मैंने बनाया था, और आपको दिखाता हूँ गाइस, देखो इसमें कितने सारे, ये कलमी पेड़ मैंने बनाया है, वो भी अगर बाय चांस हो गया तो आपको छोटे से पेड़ में, देखो गाइस कितना छोटा सा पेड़ है, ठीक है। ये रसोई है, इधर सन दिख रहा होगा आपको, और ये हमारा एक छोटा सा गांव टाइप का एक घर है, ये पूजा घर है सामने, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अमरूद, ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े हैं, कितने ताजे हैं, फ्रेश अमरूद है। आपको तोड़ के काट के खिला के भी दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। इसी तरह वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मेरी मम्मी ने लगाया था बहुत प्यार से, और अभी फल दे रहे हैं। आखिर थिंग मैं आपको दिखाता हूँ कितने हैं इसमें, 1 2 2 ही हो गए गाइस, ठीक है, और 2 ये रहा, 4 4 और 2 ये रहा गाइस, 6 6 1 ये रहा 7, मतलब 10 12 के आसपास फल आए हैं। काफ़ी छोटा फल है और ये कुछ 6 महीने में फल गया गाइस, ठीक है। 6 महीने में, 6 महीने के मतलब साल भर से छोटा पेड़ है। और यहाँ देख सकते हो, एक छोटा सा बच्चा होता है ना जो गाइस कल पैदा लिया होगा, वो भी चढ़ सकता है इसमें, देख लो नीचे से, ये बिल्कुल 4 4 4 8 अंगूर से स्टार्ट होता है गाइस, देखो काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसको आपको काट के दिखाता हूँ और आपको खिलाता भी हूँ, ठीक है, और बताना कैसा है। हे गाइस, आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेश पीस, 2 अमरूद पके हुए हैं, आपका भाई आपको खिलाएगा, ठीक है, और इसका भी उद्घाटन करेगा आपका भाई, देखो गले में चक्कू रखता है, ठीक है। आपको फ्रेश पहले ये पत्ते हैं कुछ साइड कर देता हूँ, और आपको यहाँ से काट के दिखाता हूँ, देखो फ्रेश है, और इसको कट लगाते हैं, पका हुआ आपने कभी नहीं खाया, तो देखो गाइस ये मैं आपका काट रहा हूँ पका हुआ फ्रेश, ये देखो गाइस, ये देखो पूरा पका हुआ है, कहीं से कच्चा नहीं है, देख सकते हो, ठीक है, आप खा लो गाइस, ठीक है, ये पूरा पका हुआ है गाइस, बहुत मीठा है, बहुत मीठा, देखो ये पेड़ में ही लगा हुआ है और फ्रेश है। आप कहते हो ना ताजा खाओगे, इससे ताजा तो यार मेरे को नहीं लगता मिलता होगा। 2 पका हुआ है, एक ये है एक ये है, ठीक है, और ये अभी ऊपर रखाया गया है, आपको दिखाता हूँ मैम, देखो पूरा फ्रेश है गाइस, कोई इसमें कह देगा कि भाई इसमें कमी है तो यार वो अपने में कमी निकाल रहा है, ठीक है, निकालने वाले तो ताजमहल में भी निकाल देते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और इस तरह वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप शहर से हो, गांव देहात से हो, तो आपको तो गाइस मिलता ही होगा फल पका हुआ खाने को, वो भी फ्रेश ताज़ा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था, क्योंकि एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी गाइस, सॉरी, कि ताज़ा फ्रेश फल का वीडियो बनाना, तो एक यही पेड़ लगाया हमने, बाकी लीची का भी लगाया है,
और आम का भी लगाया जब वो होगा। और यहाँ पे हमने कलम सा बना रखा है, ठीक है, जब ये बनेगा, इसमें भी अमरूद है, आपको छोटे पेड़ में दिखाऊंगा, देख रहे हो कितने से ये कलम बनेगा ना, तो छोटे पेड़ में आपको दिखाऊंगा कि भाई अमरूद कैसे होता है। यहाँ से कलम कर रखा है, यहाँ से काटूंगा, मिट्टी में डालूंगा, फिर इसके बाद ये भी होगा। तो बाय बाय।